हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए, आयोग द्वारा अभी एक रिजल्ट डिक्लेयर करा गया है जो कि है कंप्यूटर प्रोग्रामर कम ऑपरेटर, और ये पद कोड था 10 और 44। ये परीक्षा आयोजित करवाई गई थी UK SSSC के द्वारा 5 नवंबर 2017 को, ठीक है। जिन लोगों ने भी ये एग्ज़ाम दिया वो लोग चेक कर लें, रिजल्ट आउट हो चुका है। और जिन लोगों का भी सेलेक्शन हुआ है इसमें, उन लोगों को काफ़ी शुभकामनाएँ। और हो सके तो जिन लोगों का चैनल के साथ जुड़े हैं और सिलेक्शन हुआ है, प्लीज़ कमेंट करके भी बताइएगा कि किन किन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो देखिए, जो भी सिलेक्टेड लोग हैं उनका जो अभिलेख सत्यापन होना है वो 15 मई और 16 मई को होना है, कहाँ पे, देहरादून में, ठीक है। सभी आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल उनके साथ आपको वहाँ पर पहुँचना है। और देखिए, जो ये लिस्ट है यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, काफ़ी लोग सोचते हैं कि मेरिट कितनी गई, ये कंप्यूटर प्रोग्रामर कम ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो जनरल में फर्स्ट जो लाए हैं, फर्स्ट स्थान पे हैं बॉयज़ में, वो हैं 81.25 का स्कोर रहा है। और जनरल में लास्ट में बात करूँ इसमें 75 का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और देखिए, जनरल वुमेन की मेरिट देखते हैं एक बार। जनरल वुमेन में देखिए 87 नंबर, कहने का मतलब मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है ये जो कैंडिडेट हैं पूनम पाठक, इन्होंने टॉप किया है पूरी परीक्षा में, 87 नंबर हैं इनके, बॉयज़ से ज़्यादा इनकी रैंक है, ठीक है, पूरे उत्तराखंड में एक रैंक है देखिए। और तो ये रिजल्ट आ गया, आप लोग देख लीजिएगा इसको, और बाकी कैटेगरीज का यहाँ पे सब चीज़ें देखिए। इसमें थोड़ा शैक्षिक अहर्ता, जिन लोगों ने फॉर्म भरा था और ग्रेजुएट के साथ इसमें मांगा गया है, देखिए क्या मांगा है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और इसके साथ साथ या तो इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपके पास, पॉलिटेक्निक किया जिसने, CSE IT से, ठीक है। अगर जिनके पास यही होगा वही लोग सेलेक्टेड होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है, अन्यथा बाहर कर दिया जाएगा आपको, ध्यान दीजिएगा इसका, ठीक है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, और एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, जगह जनरल की जो मैक्सिमम मार्क्स की लिस्ट है वो 81 है, कट ऑफ 75 गई है, OBC की कट ऑफ 68 गई है, और SC की कट ऑफ 65 गई है, ST की कट ऑफ 66 गई है, ठीक है। तो पेपर कैसा था, आई थिंक मैंने अपलोड किया है चैनल पे, मुझे भी याद नहीं आ रहा। और पेपर अगर इसका अपलोड नहीं हुआ होगा तो मैं जल्दी इस पेपर को अपलोड करूँगा चैनल पे, देखेंगे कि कैसा ये पेपर था, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा आप, और मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो ऑफिशियल साइट है, ऑफिशियल साइट जिन लोगों को पता नहीं है वो देख लीजिएगा, इसकी ऑफिशियल साइट है UKSSSC.gov.in, ठीक है। इस पे जाके आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए, बिल्कुल मोटिवेशन के साथ तैयारी कीजिए, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।